उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और एक रिवॉल्वर मिली हुई है। प्रयागराज में आतंक का पर्याय माने जाने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ अब इस दुनिया में नहीं। यूपी पुलिस का शिकंजा अतीक के गैंग पर कसता जा रहा है। खासकर उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक के कई गुर्गों को ढेर किया या तो गिरफ्तार किया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए अतीक अहमद के करीबी और शार्प शूटर अब्दुल कबीर पुलिस की रिमांड में हर दिन नए नए खुलासे कर रहा है। अब यूपी एसटीएफ ने अब्दुल कबीर की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने अब्दुल कबीर की निशानदेही पर उसके भकंदा स्थित घर के पास 20 अवैध तमंचों की बरामदगी की है। इसके साथ ही पुलिस को एक एक रिवॉल्वर और 88 कारतूस भी मिले हैं। अब्दुल कबीर के घर के पास झाड़ियों में इन हथियारों के अलावा 25 देसी बम छिपा रखे थे। बदमाश ने इनको प्लास्टिक की बोरियों में छिपा रखा था। शूटर कबीर ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। दरअसल अब्दुल कबीर को पुलिस लखनऊ जेल से शनिवार की रात लेकर कौशाम्बी पहुंची थी। इसी दौरान पूछताछ में कबीर ने कई बातों का खुलासा किया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मुताबिक अब्दुल कबीर को पुलिस रिमांड पर लाकर अवैध शस्त्र की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही अब्दुल कबीर की रिमांड पूरी हो जाएगी उसको लखनऊ जेल वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, अब्दुल कबीर को सरायकेला थाने के एक मुकदमे में 36 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और एक रिवॉल्वर मिली हुई है। कुछ विस्फोटक मिले हुए हैं और 315 और 22 बोर के कारतूस भी मिले हुए हैं। उसको सकुशल जेल में दाखिल कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो आगे हम लोग करेंगे। पूछताछ में उससे हम लोगों ने कई चीज़ें पूछी हैं जो हमारी विवेचना का विषय है। वो समय आने पर हम आपको अपडेट करेंगे। अच्छा, अतीक के बारे में कुछ बताया हुआ है? वो उसका सहयोगी रहा है ये बात आई है। बाकी और चीज़ें जो है वो हमारी विवेचना का विषय है, वो बाद में हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा अब्दुल कबीर ने बदमाशों के छिपने के कई ठिकानों का भी खुलासा किया है। साथ ही अपराध में कौन कौन लोग मदद पहुंचाते थे कबीर ने पुलिस को उनका नाम भी बताया है। एसपी ब्रजेश कुमार का दावा है कि कबीर की ओर से साक्ष्य की गई जानकारी अतीक से जुड़े कई मुकदमों में बतौर सबूत मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर में आरोपी था, लेकिन इसी साल 15 अप्रैल को 3 बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। इस वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया था। पुलिस के सामने हुई दिन दहाड़े हत्या के बाद कई सवाल भी उठे थे। उमेश पाल का मर्डर भी इसी साल प्रयागराज में हुआ था। 7 बदमाशों ने 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।